किस तरह की समस्या है इस लोकेलिटी में? आप एक दिव्यांग भी हैं और आप एक अच्छे उद्यमी भी हैं, हम अपनी यूनिट को देख रहे थे, समस्या की अगर चर्चा करें तो किस किस तरह की समस्या है? धन्यवाद हमारे आप सभी को, दिव्यांग कल्याण समिति के सभी संस्था की ओर से आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। आज इस बेरमोर क्षेत्र की समस्या जो सामाजिक कार्य मैं लेकर चल रहा हूँ, जिस स्थिति में काफ़ी गंभीर है, जो कि हमारे दिव्यांग भाई हैं, वृद्धा हैं या ऐसे ऐसे समस्या जो है, इसमें हम अभी लेके चल रहे हैं, जो कि हमारे इस क्षेत्र को काफ़ी कार्य से असफल है, जिस कारण हम सभी सफल नहीं हो पा रहे हैं। जो यूनिट आप यहाँ से संचालित कर रहे हैं, जी, सेवा आप क्या दे रहे हो? सेवा ये दिव्यांगों के प्रति विशेष ध्यान ये रह रहा है कि जो दिव्यांग असफल हैं, जो कि वो समय समय पर प्रोत्साहन राशि नहीं मिलता है, या उसका जो श्रवण यंत्र है, तरह तरह का जो समस्या है, तो उसको ये समस्या को समाधान के लिए इस केंद्र को मैं संचालित कर रहा हूँ। और कोई और चुनौती? तो खुद भी दिव्यांग है। हाँ, मैं ये दिव्यांग होने के नाते हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे जो इस क्षेत्र को काफ़ी थोड़ा सा दयनीय स्थिति चल रहा है, जो दिव्यांगों को सही नज़र से नहीं सुविधा हो रहा है। मिश्रा जी, हम पॉलिटिकल सेटअप की अगर बात करें तो बेरमो में आप कार्यरत हैं और बेरमो आपका कार्य क्षेत्र है। जी, जो राजनीतिक परिदृश्य है बेरमो में, जी, 3 तारीख को वोटिंग होना है, जी, आपको क्या लगता है कि जो दो कैंडिडेट हैं, जो सीरियस कैंडिडेट हैं, भारतीय जनता पार्टी के और कांग्रेस के, तो ये दोनों में बेहतर कौन होंगे राजेंद्र बाबू के जाने के बाद बेरमो? देखिए, राजेंद्र बाबू के जाने के बाद तो हम चाहते हैं कि युवा नेता जय मंगल बाबू रहें, और वो हम लोगों के प्रति थोड़ा सा ध्यान आकृष्ट करते हैं, और काफ़ी सराहनीय उनका रहा, राजेंद्र बाबू भी रहते थे, संस्था को काफ़ी सहयोग किए, इस तरीके से हम लोग को सहयोग मिला।